अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बना सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स के ट्रांसफरवाइज क्या है। ट्रांसफरवाइज एक ऑनलाइन सर्विस है जिसे आप मनी ट्रांसफर सर्विस कह सकते हैं। अगर आप पियोनियर के बारे में जानते हैं तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि फ्रीलांसर के लिए जो है जो पियोनियर एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और आप इसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पियोनियर से आपको जो है वर्चुअल बैंक भी मिलते हैं ऑनलाइन, यूएसए के और फिर यूरो करेंसी में या ब्रिटिश पाउंड में। और आप उसको जो है पेपाल से लिंक करके अपने अकाउंट को ना सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं पेपाल वाले को, जबकि पेपाल से पियोनियर और पियोनियर से पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री में भी ईजिली अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन पियोनियर में मसला ये आ रहा है कि नए जो बैंक अकाउंट जो नए अकाउंट बनते हैं पियोनियर के, वहाँ पर उनको कम्युनिटी फेडरल बैंक नहीं मिलता। कम्युनिटी फेडरल बैंक जो है पेपाल से लिंक हो जाता है, लेकिन नए अकाउंट में क्योंकि सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपको फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलता है और वो पेपाल से लिंक नहीं होता, तो ये काफ़ी इशू आ रहा है लोगों के साथ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप ट्रांसफरवाइज की सर्विस यूज़ कर लें। ट्रांसफरवाइज के ज़रिए ना सिर्फ इजीली आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, और ट्रांसफरवाइज से भी बिल्कुल पियोनियर की तरह आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलते हैं। यूएस डॉलर में भी आपको मिलता है, आपको ब्रिटिश पाउंड में भी बैंक अकाउंट मिल जाता है, और आपको इसके अलावा यूरो में भी बैंक अकाउंट मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें यह कि आपको खर्चा भी नहीं ज़्यादा होता, यानी पियोनियर में तो कम से कम $100 की लिमिट रख दी है उन्होंने कि $100 आपके पास आएंगे, आप कार्ड ऑर्डर करेंगे उसके बाद ही आपको बैंक अकाउंट मिलेगा, या कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट होती हैं, या फिर सिर्फ ऑटो रिप्लाई आता है लोगों को। तो उसका हल ये है कि ट्रांसफरवाइज में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको $20 ऐड करना पड़ते हैं, और वो भी जो है उसकी फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल आपकी अमाउंट होती है। सिर्फ आपको एक दफ़ा कन्फर्म करना पड़ता है आपका अकाउंट को, जब आप $20 ऐड कर लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं ट्रांसफरवाइज से। और आप उन बैंक अकाउंट जब आपका अकाउंट मिल जाए तो जो $20 हैं आप उसको अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जिस कंट्री से भी अगर आप बनाते हैं ट्रांसफरवाइज का अकाउंट तो वहाँ पर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बिल्कुल फ्री बनेगा, लेकिन इसको अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है और इसको बनाना कैसे है, ये तमाम प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह आप देखेंगे तमाम चीज़ें। और मैं ट्रांसफरवाइज को पेपाल से लिंक भी कर चुका हूँ, मैंने दुबई का पेपाल बनाया था, वहाँ मैंने इसको लिंक किया, तो 3 ट्रांजेक्शन में कर चुका हूँ अब तक, यानी 3 बार विड्रॉ कर चुका हूँ। ये ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, टेस्ट अमाउंट थी, तो $10-10 की तकरीबन अमाउंट थी। तो ये मैंने पेपाल से ट्रांसफरवाइज में जब मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, विड्रॉ किया, तो मेरे को अगले दिन वो पेमेंट ट्रांसफरवाइज में मिल गई। और फिर उसको मैं पाकिस्तान में भी मैंने अपने इजीली ट्रांसफ़र कर लिए पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। और पियोनियर से जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो मुझे जो है दूसरे दिन पेमेंट मिलती है, और जबकि ट्रांसफरवाइज से जो है 10 मिनट के अंदर जो है मुझे पाकिस्तानी अकाउंट बैंक अकाउंट में पेमेंट मिल गई थी। तो चलिए यहाँ से आप शुरू करते हैं कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट जो है, ये 2 ट्रांसफ़र मैंने किए थे, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे जो पेमेंट थी ये ट्रांसफरवाइज में रिसीव हो गई थी। और यहाँ पे आप ये कंफर्मेशन वगैरह की जो डिटेल्स है वो भी देख सकते हैं। ये पूरी रसीद है जो पेपाल में शो होती है जब आपके अमाउंट वगैरह रिसीव हो जाती है, यानी जब सेंड हो जाती है, ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र थे। और यहाँ पे मैं एक आपके सामने एक और अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले मेरा बैलेंस कम था तो मैं ये छोटी छोटी अमाउंट ही विड्रॉ की थी, तो लेकिन ये मेरे पास रिसीव हो गई थी। और क्योंकि ये दुबई का पेपाल है तो यहाँ पर जो बैंक ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 2.5% लगती है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि जो 2.5% फ़ीस थी वो लगने के बाद जो अमाउंट है वो पेपाल ने आगे ट्रांसफ़र कर दी, और ये पेंडिंग में भी नहीं गई, ये डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र हो गई मेरे पास, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। बाद ऐसा होता है कि वो पेंडिंग में जाता है। अब यहाँ पे आप ये जो ट्रांसफरवाइज के देख सकते हैं स्क्रीन, यहाँ जो मुझे हाई लिनिक्स से पेमेंट रिसीव हुई है, ये तो ये मेरा बिज़नेस नेम है पेपाल में, हाई लिनिक्स, तो ये उसका यहाँ पर नाम शो हो रहा है कि ये फ्रॉम हाई लिनिक्स है। तो जब डिटेल्स वाले पेज पर जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉम पेपाल जो है IAT है, यानी कि ये पेपाल से पेमेंट आई है। तो ये 8.77 और 9.75 US डॉलर की जो पेमेंट थी मुझे पेपाल से ट्रांसफरवाइज में रिसीव हुई। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपल है कि आपने इस लिंक को जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, उसको फॉलो करें और इस पेज पे आ जाएं। ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बनाने के लिए आप पर्सनल या बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये पर्सनल अकाउंट बनाया था, अगर आप यहाँ मेरे लिंक के ज़रिए बनाएंगे तो आपको £500 तक जो है फ्री ट्रांसफ़र मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने फिर अपनी ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है, नेशनलिटी पाकिस्तान यहाँ पे है, तो आप जो है अपनी कोई भी अगर और नेशनलिटी है तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए, ट्रांसफरवाइज के ज़रिए इजीली आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप ब्रिटिश पाउंड, यूरो या किसी भी और करेंसी को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर भी आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, बहुत ईजी हो जाता है ये, आप ईज़िली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यानी कि US डॉलर से पाकिस्तान में भी आप अगर भेजना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और ये 4 मिनट का टोटल प्रोसेस होता है। यहाँ से फिर आपके पास देखिए ऑप्शन आते हैं कि आपने पर्सनल, बिजनेस या कौन सी पेमेंट सेंड करनी है।
तो मैंने क्योंकि पर्सनल अकाउंट ही बनाया था तो मैं पर्सनल की डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास फिल इन योर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, क्योंकि आपका नया अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके पास आ रही हैं, वो यहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ये डिटेल्स जो है लाजमी प्रोवाइड करें, और यहाँ पे देखिए ईमेल जो आपको लाजमी कंफर्म करनी होती है तो ईमेल लाजमी कंफर्म कीजिए अपने अकाउंट बनाने के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए मेन स्क्रीन आ गई है ट्रांसफरवाइज की, बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको जो है तमाम अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। कार्ड जो है फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किए कार्ड, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी आपके पास यहाँ पर देखिए मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ से गेट स्टार्टेड विद बैलेंसेस का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं कि पर्सनल या बिज़नेस अकाउंट कौन सा आपने सेटअप करना है। मैंने पर्सनल अकाउंट सेटअप किया था, तो यहाँ से अगर आप इसको चाहें तो क्लोज़ भी कर सकते हैं। डिटेल्स देखें लाजमी इंटर करना पड़ेंगी आपको, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से फिनिश योर अकाउंट सेटअप पे लाजमी जाएँ और अपने अकाउंट को लाजमी कम्प्लीट करें। यहाँ से पर्सनल और बिज़नेस सेटअप पर मैंने इसमें पर्सनल ही किया, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो मैंने बिज़नेस को सेटअप नहीं किया था। अब यहाँ से आपने देखिए पर्सनल पर जाना है, और फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे मांगी जा रही है, तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आपने जो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपके शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पर जो भी आपकी या पासपोर्ट पर जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे दीजिएगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ से +92 यानी पाकिस्तान का कंट्री कोड सेट करके अपना पाकिस्तान का फ़ोन नंबर एंटर कर दीजिए। ये नंबर आपको बाद में वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, ये मैंने भाई के लिए अकाउंट बनाया था, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। इसके बाद आपने ये सेटअप कर लिया, फिर गेट स्टार्टेड विद बैलेंसेस पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ से, और आपको अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने अपना नंबर लिखना है और सेंड कोड है, यहाँ मेरे को SMS में वो कोड रिसीव हुआ था, मैंने यहाँ पर वो इंटर किया, और उसके बाद टर्न ऑन टू स्टेप लॉगिन जो मैंने ऐड कर दिया ताकि सिक्योरिटी हमारी बेहतर हो जाए। और इसके बाद देखिए वी हैव सेटअप GBP एंड यूरो बैलेंसेज, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास ब्रिटिश पाउंड और यूरो का बैलेंस सेट होता है, तो इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़ीद जो बैलेंस है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे ओपन अप बैलेंस पे आपने क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप जो भी बैलेंस ऐड करना चाहते हैं अपने ट्रांसफरवाइज अकाउंट में वो कर लीजिए। मैंने यहाँ से USD से सर्च किया, क्योंकि मैं US डॉलर का जो है वो बैलेंस ऐड करना चाहता हूँ, और बाद में हमने यहाँ से बैंक भी लेना है US डॉलर वाला ही। कन्फर्म करें और सिंपल ये आपके पास देखिए US डॉलर का बैलेंस भी आपके पास यहाँ पर आ गया, और अब आप यहाँ पर USD बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, सिर्फ ऐड पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से जब आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए कि हाउ मच डू यू वांट टू ऐड, यानी कितना बैलेंस आपने ऐड करना है। तो डॉलर में आप 10, 20, 50, 100 या जितने भी डॉलर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ से हम 25 करते हैं, और उसके बाद हमारे पास देखिए ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपने जो है अपना कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा या डेबिट कार्ड, सॉरी वीज़ा या मास्टर कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी आप ऐड करना चाहें, और उसके पास वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है आपके पास, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने जो है वीज़ा कार्ड ऐड किया, उसकी डिटेल्स जब इंटर की तो उसमें थोड़ा मेरे पास एरर आया, इशू आया, तो यहाँ से ये कंप्लीट नहीं हो सका था, ये प्रोसेस यानी ये पेमेंट कंप्लीट नहीं हो सकी। तो अगर आपके पास कोई कार्ड काम नहीं करता तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा कार्ड ट्राई कीजिए। मैंने इस जो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दिया था, IDN पे को मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि पेमेंट कंप्लीट नहीं हो सकी तो आप कैंसिल कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दूसरा कार्ड ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि गेट योर अकाउंट डिटेल्स हैं, फिर यहाँ मज़ीद आपको पढ़ना चाहें कि ये बैंक डिटेल्स कैसे हासिल कर सकते हैं या कैसे काम आती हैं, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो दोबारा मैंने यहाँ पे सिर्फ $20 ऐड किए और कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैंने जो है डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, और जो मेरा पियोनियर का मास्टर कार्ड था मैंने वो यहाँ पर इस दफ़ा इंटर किया, और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी पड़ती हैं। डिटेल्स देने के आप यहाँ पर बैलेंस को ऐड कर लीजिए, ये देखिए सिंपल है, और उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया मेरे पास। तो अपलोड अप प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, यानी अपने शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप अपलोड करना चाहें वो कीजिए। मैंने नेशनल ID कार्ड यहाँ पे जो था वो दिया भाई का, तो उसकी फ्रंट और बैक की जो फ़ोटो लेकर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी थी, और कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद जो दूसरा था अपलोड अप फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर ID, तो इस तरीके से देखें आपने ये फ़ोटो लेनी है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए जैसी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने बिल्कुल बिल्कुल उनको फॉलो करना है, उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। ये देखिए जो मेरा बैलेंस, ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि मनी एडिट टू योर अकाउंट, तो बैलेंस जो है ऑलरेडी मेरे पास ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब सिर्फ मुझे जो है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो वेरीफाई योर आइडेंटिटी का जो आपके पास यहाँ पर आ गया, फिर यू हैव एडिट बैलेंस, अब यहाँ पर आपने जो है अपनी फ़ोटो ऐड करनी होगी,
उससे पहले भी मेरे पास देखिए गुड न्यूज़ है कि वी हैव कन्फर्म योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो NIC था वो वेरीफाई हो गया था, लेकिन अब ये वाला जो स्टेप है ये अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। तो अभी अब ये अपलोड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यू आर ऑल डन फॉर नाउ। और ये टोटल जो प्रोसेस था वो चंद मिनट का था, इसमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे गया तो ये देखिए कि यू एडिड मनी टू योर अकाउंट और यू हैव अपलोडेड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे यहाँ पे, फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और वेरीफिकेशन प्रॉब्लम मेरे पास आ गई कि जो दूसरी फोटो मैंने अपलोड की थी होल्डिंग योर आईडी वाली, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा मसला आ गया था। तो यानी अगर आपके पास जो वो अकाउंट में कोई मसला आता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, आपको ईमेल रिसीव हो जाती है, तो आप दोबारा वहाँ से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस पेज को मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखिए तो दोबारा मेरे पास वो जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से दोबारा मुझे वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी थी, ये वाला जो फ़ोटो है देखिए ये चीज़। तो इसमें गलती आप मत कीजिएगा, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको अपलोड कर दिया और यू आर ऑल डन फॉर नाउ मेरे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि वी आर चेकिंग योर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी तक जो मुझे बैंक अकाउंट इशू नहीं हुए, और उसके कुछ ही मिनट बाद मुझे ये देखिए वी हैव कन्फर्म योर डॉक्यूमेंट्स की ईमेल आ गई ट्रांसफरवाइज की जानिब से, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अप्रूव हो गए और इसके बाद मुझे जो है बैंक अकाउंट मिल गए थे। अब यहाँ से इस पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये योर USD अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो मुझे बैंक अकाउंट है वो फ़ौरन ही चंद मिनट के अंदर अंदर मिल गया। ये देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस था ये, तो इसको फिर आप जो है अपने PayPal से लिंक कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए मेरे पास जो यूरो का था, यूरो वाला बैंक भी मुझे मिल गया, और उसके अलावा ब्रिटिश पाउंड का जो बैंक था वो भी मुझे मिल गया। और ये बहुत सिंपल सा इजी सा प्रोसेस था। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास जो बैंक शो नहीं होता तो आप यहाँ पे गेट अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसमें परेशान बिल्कुल भी मत हों। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना है और उससे अपने बैंक अकाउंट्स हासिल करने हैं। जब आपको ये बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं तो आप उनको अपने PayPal अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना ट्रांसफरवाइज का ना सिर्फ एक अकाउंट बना सकते हैं बल्कि आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और आप उसको जो है अपना बैलेंस ऐड करके बैंक डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। और फिर उस बैंक को आप अपने PayPal अकाउंट के साथ लिंक कर लीजिए, और फिर PayPal से आप अपने ट्रांसफरवाइज और ट्रांसफरवाइज से आप पाकिस्तान में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसको वीडियो को पसंद आई है तो आप इसको जो है ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मज़ीद दोस्तों के साथ भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए भी आप जो अगर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे या शेयर करेंगे तो यह मेरे लिए हौसला अफजाई की बात होगी। और अगर अभी तक आपका जो PayPal अकाउंट वेरीफाइड नहीं है या आपका किसी जो PayPal अकाउंट किसी भी बैंक के साथ लिंक नहीं है, तो आप जो है मुझसे रابطہ कर सकते हैं PayPal के एक्सचेंज के लिए, या अगर आपको ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ख़रीदना है तो आप उसके लिए भी मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह PayPal के ज़रिए अपने अकाउंट से भी जो वो पेमेंट कर देता हूँ और परचेज़ करके दे देता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मैं हर सॉफ्टवेयर ख़रीद के नहीं देता, मैं चेक करता हूँ, अगर वो मुझे सॉफ्टवेयर सही लगता है तो मैं ख़रीद देता हूँ, और अगर उसमें कोई मसला लगे या कोई मेंबरशिप टाइप कोई सॉफ्टवेयर होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो मैं उनकी पेमेंट नहीं करता। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से।